प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन ई पाठशाला में। आज हम कंप्यूटर के कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन हमें बड़ी सी नज़र आ रही है ना, ये पूरा का पूरा एरिया जो पीछे पिक्चर बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप, ठीक है। ये होता है हमारा डेस्कटॉप। और ये जो छोटी छोटी सी इस पर ऊपर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये सारे के सारे छोटे जो पिक्चर्स हमें नज़र आ रही हैं, इनको बोलते हैं हम आइकन्स। ये होते हैं आइकन्स, ठीक है। एक छोटी सी पिक्चर को जो एक डेस्कटॉप के ऊपर नज़र आती है, उसको हम बोलते हैं आइकन्स, ठीक है। और ये जो नीचे लंबी सी फट्टी नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं हम टास्क बार, ठीक है। ये होती है हमारी टास्क बार। इसके ऊपर जो जो चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि ये जो बड़ा सा एरिया नज़र आ रहा है, ये है डेस्कटॉप। और इसके ऊपर जो छोटी छोटी आइटम्स नज़र आ रही हैं, ये सारी के सारे हैं आइकन्स, ठीक है। अब कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम हमें चलाना हो, तो सारे के सारे जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो यहाँ पर होते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये स्टार्ट बटन होता है विंडोज़ का कंप्यूटर में, ठीक है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो इस तरह से सारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम्स हमने चलाना हो, जैसे फ़ोन होते हैं ना, एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें आती हैं ऐप्स, आती हैं वो स्क्रीन के ऊपर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन के ऊपर है, लेकिन मेन ये जो एप्लीकेशन, ये जो नज़र आ रहे हैं ना आइकन बन, ये छोटे छोटे से सारे प्रोग्राम्स भी हैं, इनमें पिक्चर्स भी हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर होते हैं पहले, ठीक है। यहाँ से ये बाहर नज़र आते हैं, यहाँ से हम चाहें तो जो चीज़ें हम चाहते हैं कि यहाँ नज़र आए बाहर, यहाँ से उठा के उनको बाहर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से होते सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर हैं, स्टार्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे होते हैं सारे ये प्रोग्राम्स, ये देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में भी आपको नॉलेज नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। बस इतना सा समझ लो कि इस कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम्स रन होते हैं, यहाँ से रन होते हैं। कंप्यूटर को बंद करना हो तो ये बटन यहाँ से आता है, बंद करने वाला, ये यहाँ से शट डाउन, ठीक है। यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना हो कंप्यूटर, तो रीस्टार्ट बटन, ये हाइबरनेट, थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर को, मान लो कि कंप्यूटर को बंद नहीं करना है, शट डाउन नहीं करना है, कंप्यूटर को इसी सेटिंग में हमने बंद कर देना है। जैसे फ़ोन होता है ना, वापस वहाँ से चल पड़ता है, तो इसमें सेम ये कि हाइबरनेट वाली ऑप्शन भी होती है, एक लंबी नींद में भेज देना और उससे फिर इसको जगा लेना। जैसे फ़ोन होते हैं, राइट वाला बटन दबाते ही फिर से फ़ोन वैसे स्क्रीन आ जाती है, सेम वैसे ही है ये हाइबरनेशन का भी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरीज़ के बारे में, ठीक है। कि कंप्यूटर में ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, वो जैसे फ़ोन होता है ना, फ़ोन में सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती हैं, उसके मेमोरी कार्ड के अंदर या फिर उसकी इंटरनल मेमोरी के अंदर। कंप्यूटर में ये सारी की सारी जो चीज़ें स्टोर होती हैं, उसके लिए एक ये बड़ा आइकन बना होता है, ठीक है। ये दिस पीसी, कुछ एक के ऊपर यहाँ पे नीचे कंप्यूटर लिख के आता है, ठीक है। यहाँ पे दिस पीसी आता है, ये विंडो 10 है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये दिस पीसी इस तरह से नज़र आता है। अब इसके अंदर हमने देखना हो ना, अपना कंप्यूटर की जो मेमोरी देखनी हो, तो इसके ऊपर हम इस तरह से डबल क्लिक करते हैं और इसके अंदर जो मेमोरीज होती है वो इस तरह से नज़र आती हैं, ये, ठीक है। ये वो मेमोरीज हैं जिनके अंदर कंप्यूटर की सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है। ये सी है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के जितने भी ये प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, ये स्टार्ट के अंदर यहाँ पे ये स्टार्ट वाले सारे प्रोग्राम जो स्टोर हुए हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। इसको बोलते हैं हम सी ड्राइव, ठीक है। ये सी ड्राइव है ये हार्ड डिस्क होती है, जो कंप्यूटर में बोलते हैं ना हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क को ही हमने भागों में, इनकी पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये सी है, ये ई है, एक एफ है, ठीक है। यानी कि एक हार्ड डिस्क है बहुत बड़ी, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है, ताकि हम अपने सुविधा के अनुसार डाटा को स्टोर कर सकें, ठीक है।
तो इसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम्स रहते हैं, इसके अंदर हम अपनी फाइल्स और फोल्डर सेव करके रखते हैं और इसके अंदर भी फाइल और फोल्डर ही रखते हैं, ठीक है। अब देखो फाइल और फोल्डर का भी मैं आप लोगों को डिफरेंस समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो पीले कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे फोल्डर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ई ड्राइव को ओपन किया ना, ये देखो इसके अंदर ये जो पीले पीले कलर के हैं ना सारे, इनको बोलते हैं हम फोल्डर, ठीक है। और ये जो बाहर नज़र आ रही है रंग बिरंगी सी, इनको बोलते हैं हम फाइल्स, ठीक है। ये होते हैं पीले कलर के फोल्डर्स और ये होती हैं फाइल्स, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। कंप्यूटर के अगर कोई भी प्रोग्राम्स फाइल और फोल्डर देखने हो हमने, तो वो दिस पीसी के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जो सी ड्राइव होती है, इसके अंदर कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सारी ऐप्स होती हैं, और ये जो होती है ई और ई एफ, इसके अलावा हम जो भी अपनी, चाहे वो वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, या अपने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारे हम इनके अंदर सेव करके रखते हैं, ठीक है। ये डीवीडी है, मान लो कोई सीडी चलानी है कंप्यूटर में उसके लिए, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा था कि फाइल और फोल्डर, तो ये जो पीले कलर के नज़र आते हैं इनको बोलते हैं हम फोल्डर्स, और ये इस तरह की रंग बिरंगी जो नज़र आती हैं इनको बोलते हैं हम फाइल्स। कंप्यूटर की जो बेसिक सी चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी। अब देखो कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से करना, मेन स्टार्ट से होता है। जैसे मान लो गूगल क्रोम चलाना, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में चलाते हैं, क्रोम पे क्लिक किया, ये हमारा गूगल क्रोम चल पड़ा। इसके अंदर हम नेट चलाते हैं, ये जैसे मान लो हमने व्हाट्सएप चलाना हो तो इसके अंदर चलाते हैं व्हाट्सएप, इस तरह से क्लिक किया और हमारा व्हाट्सएप चल पड़ा। ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो हमारे जो व्हाट्सएप है वो भी चल पड़ा, ठीक है। प्रोग्राम्स का बताया मैंने आपको कि प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करने हैं, और प्रोग्राम्स को बंद करना हो तो यहाँ से ये क्रॉस बटन बना होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर का, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कोई गेम चलानी है हमने, यहाँ पे सेव्ड गेम्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखा और गेम्स आ जाएगा, जैसे मान लो हमने गूगल क्रोम चलाया था ना CHROM, यहाँ पे नाम लिखेंगे और ये प्रोग्राम्स यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर, यहाँ पे क्लिक किया और हमारा प्रोग्राम फिर चल पड़ा। ये देखो ये YouTube चलानी है, YouTube चलाओ, ठीक है। कोई वीडियो चलानी है, कुछ भी चलाना है, ठीक है। सारे प्रोग्राम। Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix logo maker to create one. कंप्यूटर की एक बेसिक सी चीजें थी, मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ इनका। ये जो बड़ा सा एरिया नजर आ रहा है इसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर ये जितनी भी पिक्चर्स बनी हुई इनको बोलते हैं हम आइकन्स, ठीक है। ये लंबी सी जो फट्टी बनी हुई है इसको बोलते हैं हम टास्कवार, टास्कवार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी काम चल रहे होते हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको बोलते हैं हम स्टार्ट बटन, कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम चलाना हो यहाँ से चला सकते हैं, और यहाँ से टाइप करके भी हम डायरेक्ट प्रोग्राम को चला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से चलाना हो तो यहाँ पे भी हमने शॉर्टकट रखे होते हैं, जैसे ये देखो गूगल क्रोम है, यहाँ से भी डबल क्लिक किया, जब फ़ोन होता तो हमने टैप करना था, उंगली से फटाफट टच करना था, चल पड़ना था, ठीक है। यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया इसे, ठीक है। ये जो चल रहा है ना, ये तीर सा नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं माउस पॉइंटर, ठीक है। क्या होता है ये? माउस पॉइंटर होता है, ठीक है। तो आज के लिए ये थोड़ी बहुत सी जो मैंने आपको बेसिक सी जानकारी दी, मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। कल हम मिलेंगे अपने चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।